मास बाय वॉल्यूम, क्या होती है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। क्या हो जाएगा बेटा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपको निकालने के लिए मास तो आपको पता है 100 है आपका, और आपका जो डेंसिटी दे रखा गया वो कितना दे रखा गया देख लीजिए पीछे, डेंसिटी गिवन है आपको 1.25, कितना गिवन है 1.25, रुक जाइए थोड़ा सा बढ़ा दूँ, डिवाइड ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कितना बेटा 1.2। तो आप इसको सॉल्व करिए तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 80 ml, कितना निकल के आ जाएगा 80 ml, कितना निकल के आएगा बेटा 80 ml। तो देख लीजिए आप यहाँ पर 80 ml रख दीजिए, तो आप देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2, है ना, तो अब ये हो गया बेटा 2 से ये 100 काटोगे तो आ जाएगा 50, यानी आ जाएगा 50 / 8, कितना आ जाएगा 50 / 8, है ना, तो अब 8 का टेबल पढ़िए, 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, आप फिर लगाइए पॉइंट, आप अगर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 6.25 molar, कितने आ जाएगी, यानी इसकी मोलैरिटी जो होगी वो 6.25 molar आएगी बेटा, मोल पर लीटर। और जब आप मोलैरिटी देखोगे तो मोलैरिटी कितनी आई थी आपकी, मोलैरिटी आपकी आई थी लगभग 7, यानी 6.9 के आसपास आई थी, जिसको हमने अज्यूम कर लिया था 7, यानी 7। अब आगे आप यूनिट भी डाल लीजिए या स्मॉल m लिख दीजिए तो सेम रहता है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर kg, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी यूनिट इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मोल मोल एक्चुअली में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी मोल है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई भी उसकी यूनिट नहीं बचेगी। तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपके लिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराता हूँ और आगे की चीज़ें और बताता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट है ना कि आपको करने में लगेगा कि हाँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन था, बट मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, ये 2 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है। आप ये बताइए जब भी आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको क्या निकालना हो, मोलैरिटी निकालनी हो, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, स्पेशल फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप ये फार्मूला अप्लाई करिए, इसी फार्मूले से ही ये क्वेश्चन होना है, है ना, ये इसी फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, यानी मोल फ्रैक्शन जो I2 है वो आपको बेंजीन में दे रखा है 0.2, तो अगर I2 का 0.2 है तो बेंजीन का कितना होगा, 0.8 होगा, कितना होगा बेटा 0.8। तो आप डायरेक्टली यहां से इस तरह से दिमाग लगा के सोचा करिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है, तो जाहिर बात है जब मोल फ्रैक्शन A आपको दे रखा है और मोल फ्रैक्शन B आपको निकालना है तो 1 से माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, यानी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी पता चल जाएगा। तो सीधे से आप मोलैरिटी का वाला फार्मूला लगाइए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां लिख दीजिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप क्या करिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, 0.2 किसकी थी बेटा, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की कितनी होगी 0.8 होगी, और यहां पर कितना बेटा 1000। अब मोलर मास ऑफ वाटर, सॉरी मोलर मास ऑफ किसका चाहिए आपको, बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा, बेंजीन ही क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। तो बेंजीन का कितना होता है बेटा मोलर मास, बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो होता है 78, कितना होता है 78। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 250 / 70, यानी आ जाएगा 25/7 mole, है ना, इतना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आए, सॉरी मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी 25/7, कितनी निकल के आएगी 25/7। आप इसको और भी अच्छे से और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए और कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, तो ये लगभग 3.5 के आसपास आ जाएगी, कितनी आएगी 3.5 mole per liter, सॉरी मोल पर केजी के आसपास आ जाएगी, मोल पर केजी या स्मॉल एम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्पेशल फार्मूले देख रखे हैं, है ना, लिख रखे हैं, ये आपको याद कर लेने ताकि आपको आसानी रहे इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाने में, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W बाय
वी, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी और साथ में मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आपको अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी दे रखा है, तो अगर आपको मोलरिटी निकालनी तो आप क्या करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपकी डायरेक्ट मोलरिटी निकल आएगी। ठीक है, सेकंड क्या है, आप रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, आपको बोल रहा है मोलरिटी निकाल दीजिए, तो आप क्या करोगे, है ना, कैपिटल एम यानी मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाय, है ना, डब्ल्यू इंटू डी, डी क्या बेटा डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट आपकी क्या निकल आएगी मोलरिटी, कब, जब आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दिया हो। सपोज करिए आपका क्या दे, आपके को दिया गया परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, आपसे बोला है परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू बाय वी निकाल दीजिए, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकालने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू डेंसिटी आप कर दीजिए, डायरेक्ट आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया और मोलैलिटी पूछी हो, तो आप डायरेक्टली मोलैलिटी निकाल सकते हो, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन बनाता है। अगर आपको मोलैलिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछी जा रही है, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू m, m क्या है मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से आप क्या करोगे बेटा, ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मोलैलिटी से आप मोलैलिटी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पर मेरा मोल कॉन्सेप्ट जो हो गया वो दी एंड हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, वो केवल इसके जो आपको आपको प्रॉब्लम पूछने हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।